अस्सलाम वालेकुम क्लास 7, मैं आपकी सिंधी की टीचर मैम आलिया। वीक 10 के डे 1 में आपको खुश आमदीद। बच्चों, मैं आज आपको सबक पंजू नात नज़म की पढ़ाई कराऊंगी और उसका काम लिखवाऊंगी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14 खोलें और ऊपर लिखा हुआ सबक पंजू नात, ये एक नज़म है। नात आपको पता है बच्चों, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बयान की जाए। अब आप इस तरह रीडिंग करेंगे, खुदा सबनी जो कयो सरदार अहमद, नबियन जो सिपे सालार अहमद। इसके मायने ये कि अल्लाह ताला ने सब का बनाया सरदार अहमद, यानी खुदा ने सबके लिए बनाया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदार बनाया। दूसरी लाइन, नबी जो सिपे सालार अहमद, दुनिया में जितने भी नबी आए 1,24,000, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका सिपे सालार बनाया, यानी सबसे बड़े। दूसरा बैत है, वडो ताला इनन जो बख्त बाला, धनी जो कयो महंदार अहमद, नी बड़ा खुश किस्मत उनका ऊंचा नसीब, मालिक ने जिसका बनाया रहबर अहमद। यानी उनका सबसे जो नसीब है ऊंचा है, अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको रहबर बनाकर दुनिया में भेजा, रहनुमा बना के भेजा दुनिया वालों के लिए। तीसरा बैत पढ़ें, गुलामन जो लहीं सारूं संभारूं, गरीबन जो सदा गमख्वार अहमद। वो गुलामों की देखभाल करता है और गरीबों का हमेशा गमख्वार अहमद, यानी कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को संभाला, उनकी देखभाल की और हमेशा से उन्होंने गरीबों का ख्याल रखा, उनका गम बांटा। अब आगे पढ़ें, क़यामत जो असां के खौफ कहिड़ो, शफात जो कयो इकरार अहमद। क़यामत का हमें डर क्या, शफात का क्या इकरार अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें शायरी कह रहा है कि हमें क़यामत का कैसा खौफ और क्यों खौफ होगा, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने हमारा साथ देने का वादा किया हुआ है। आगे पढ़ें, इलाही मुंजो कर ही अर्ज़ मकबूल, अच्छी औखे में थी ये आधार अहमद। या इलाही, मेरी ये अर्ज़ कबूल कर, मुश्किल में आकर बने सहारा अहमद। आखिर में शायर फरमा रहा है कि या अल्लाह, मेरी ये जो दरख्वास्त है, ये अर्ज़ है, ये कबूल कर और मुश्किल में आकर हमेशा जो भी मुश्किल वक्त आए उसमें हमारे बने सहारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप अपनी कॉपी में नज़म नात का टाइटल पेज बनाएंगे और उसकी खुशखती करेंगे और अगले पेज पर लफ्ज़ मायने की हेडिंग डालेंगे और ये लिखेंगे। नंबर 1, बख्त, बख्त का मतलब होता है नसीब। नंबर 2, महंदार, महंदार का मतलब सरदार और रहनुमा। नंबर 3, बाला, बुलंद यानी ऊंचा। नंबर 4, धनी, मालिक। नंबर 5, सदा, हमेशा। नंबर 6, गमख्वार, गम बांटने वाला। नंबर 7, ओके यानी मुश्किल। नंबर 8, आधार, सहारा। नंबर 9, मकबूल यानी कबूल करना। नंबर 10, सारूं संभारूं, देखभाल। सवाल जवाब अब आप आगे लिखेंगे लफ्ज़ मायने से अगले पेज पर। सवाल नंबर 1 है, नबियन जो सिपा सालार कह रहा है,
जवाब नबी जिसके पास सलार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। सवाल नंबर दो है, शायर कड़ी अर्ज़ मकबूल थियण जी दुआ थो घुरे। जवाब है, शायर दुआ थो घुरे त हर मुश्किल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजो मददगार रहे। इसके बाद आपने इसके नीचे या अगले पेज पर लफ्ज़ मैंने जुमला की हेडिंग डालेंगे। और नंबर एक है धनी, इसके मायने मालिक, असान धनी अल्लाह साई आए। नंबर दो महंदार, सरदार, तमाम नबी जो महंदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। नंबर तीन औखी, मुश्किल, सुठा दोस्त, औखे महल में कम ईंदा आहिनि। नंबर चार आधार, सहारा, ज़रूरतमंद के आधार ॾियण असांजो फ़र्ज़ आहे। क्लास सेवन वीक टेन के डे वन का आपका होमवर्क ये है कि आपने नज़म नात की रीडिंग करनी है। इसका टाइटल पेज बनाकर खुशखती लिखें और लफ्ज़ मायने लिखें और याद करें, और सवाल जवाब दो वो लिखें और याद करें, और इसके बाद जुमले लिखें और याद करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।